कोरोना के बाद अब लोगों में ब्लैक फंगस का खौफ देखा जा रहा है। ऐसे में एक बुरी खबर सिरसा से सामने आ रही है, जहां ब्लैक फंगस की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, मरने वालों में 2 महिलाएं और पुरुष और 1 नाबालिग बच्चा भी शामिल है। ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा कोरोना और शुगर के मरीजों को अपना शिकार बनाता है। ऐसे में सिरसा के नागरिक अस्पताल में फिजिशियन और न्यूरो सर्जन नहीं है, इसलिए यहाँ मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मरीजों को निजी अस्पतालों या फिर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सेंटर बनाया गया है। हमारे पास 29 केस ब्लैक फंगस के अभी तक नोटिफाई हो चुके हैं, जिसमें से 23 केस लोकल सिरसा डिस्ट्रिक्ट के हैं और 6 केस आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं। 5 केसेस की अभी तक जो नोटिफाई हमारे पास हुए थे उनकी डेथ है। ये केस इस इन्फेक्शन को हरियाणा सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है और अब भारत सरकार ने भी इसको नोटिफाई करवा दिया। हरियाणा सरकार की तरफ से इन मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में किया गया। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो हमारे क्षेत्र का नोडल हॉस्पिटल है, ब्लैक फंगस का किसी को भी सस्पिशन हो जाँच के लिए, उपचार के लिए वहाँ पर अपना उपचार करा सकता है। इस बीमारी में मल्टी स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें खास तौर पे ENT का, डेंटल का, आई का, इवन न्यूरोसर्जन, इनकी इन्वॉल्वमेंट का ज़्यादा है, रोल है। तो ये सारी सुविधाएं एक ही छत पर जो अवेलेबल हैं वो मेडिकल कॉलेज में है। सिरसा जिले में अभी तक कुल 29 केस ब्लैक फंगस के रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अब तक ब्लैक फंगस के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, राजस्थान व पंजाब के मरीज भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है और नाक के आसपास से शुरू होता है, जिसमें गाल में सूजन, आंख में सूजन, सिर में दर्द वाले मरीजों को तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए। समय पर इलाज मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। इस तरह के हालात के बाद प्रशासन इसे निपटने के लिए अस्पतालों में इंतजाम करने में लगा है। कोरोना का कहर पहले ही था, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने भी पाव पसारने शुरू कर दिए हैं, किस तरह निपटेंगे इसे? ब्लैक फंगस के बारे में जो है अलग से नोडल अफसर लगा दिए गए हरियाणा लेवल पे, और यहाँ पे भी जो दवाई है उसकी भी प्रोक्योरमेंट कर ली गई है, और अपने गुड़गांव में भी एक प्लांट है, उसमें भी दवाई का फार्मूला दे दिया गया, उसमें मास लेवल पे डोज बनेगी, तो उसमें से भी अपना यहाँ आएगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। और मेडिकल कॉलेज में क्योंकि उनको इंटेंसिव केयर चाहिए, ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो अपने यहाँ अग्रोवा मेडिकल कॉलेज को तय किया गया है, क्योंकि वो थोड़ी सीरियस नेचर के मरीज होते हैं, तो यहाँ पे टैकल नहीं हो सकते वो, तो जहाँ पे सब सुविधाएं हों ऑपरेशन की, एनेस्थेसिया वगैरह की, तो असाइन कर दिया मेडिकल कॉलेज, तो अपने को जो असाइन किया गया वो अग्रोवा मेडिकल कॉलेज किया गया। बहरहाल ब्लैक फंगस से डरने की जगह अगर समय पर पहचान कर इलाज किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। सिरसा में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है, जबकि सिरसा के प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो ब्लैक फंगस के मरीजों का बेहतर इलाज करें। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।